दोस्तों आप 1600 मीटर की तैयार करते हो, चाहे किसी भी फिजिकल कैविट हो उसमें आप 1600 मीटर की तैयार करते होगे, और आपको स्पीड बढ़ाने के लिए वर्कआउट करना होता है, आपको 1600 मीटर में अच्छा टाइमिंग लाना है, आपको एक्सल लगाने है, उसके लिए दोस्तों आप स्पीड वर्कआउट तो करते होगे। जब आप स्पीड वर्कआउट करोगे तभी आपका अच्छा टाइमिंग आएगा दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा। दोस्तों उस वर्कआउट को आपको कैसे करना है, इसके लिए दोस्तों मैं आज आपको लिए स्पेशल टिप्स बताऊंगा। स्पीड बढ़ाने के लिए कौन सा सीक्रेट है उसको दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों मेरे आप कौन सी वीडियो देखो, चाहे उसमें स्पीड बढ़ाना हो, चाहे स्टैमिना इंक्रीज करना हो, चाहे लॉन्ग जंप की वीडियो हो, चाहे हाई जंप की हो, कैसे जंप बढ़ाना चाहिए, कैसा टेकअप लेना है चाहिए, कैसे आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, कैसे आप स्टैमिना इंक्रीज कर सकते हैं, उसको दोस्तों मैं आप डिटेल्स में बताता हूँ। हर एक वर्कआउट हो उसको दोस्तों मैं अच्छे से डिटेल्स में बताता हूँ, और उसका रिजल्ट 100% आता है, तब भी भाई आपको लगता है कि मुझे भाई ये वीडियो बनानी चाहिए, दोस्तों मुझे उस पर आप अभी दोस्तों आप कमेंट करके मुझे बताना कि भाई मुझे ये वीडियो बनानी है, कि भाई मुझे ये वीडियो चाहिए, उसकी वीडियो भाई मैं अच्छे से बनाऊंगा, और आपको 100% उस वीडियो का रिजल्ट आएगा ही आएगा। और दोस्तों मेरे वीडियो में 3 लाख प्लस व्यूज आए हैं, वो सब दोस्तों आपकी सपोर्ट की वजह से, आपकी सपोर्ट की वजह से दोस्तों मुझे एक 3 लाख व्यूज और मुझे सारी फैमिली जो सब्सक्राइबर हो दोस्तों मिले हैं। तो दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है, मैं अच्छी वीडियो बनाता हूँ और भी आगे बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको अच्छे से बेनिफिट होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं 1600 मीटर के सीक्रेट के बारे में। स्पीड बढ़ाने का सीक्रेट क्या है, कैसे आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, दोस्तों आपको क्या करना है। आपकी भर्ती अगर 2 या 2.5 महीने पहले है, आप प्रैक्टिस रेगुलर करते हो और आपकी भर्ती 2 या 2.5 महीने पहले आ गई, उसमें आप इस वर्कआउट करना है, उसमें आपका बहुत सारा स्पीड इंक्रीज होगा अगर आप इस वर्कआउट को करोगे। मैं आपको 2 वर्कआउट बताऊंगा और उसका करने का थोड़ा अलग तरीका है, मैंने पहले बताया आपको। आपको क्या करना है, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो लेकिन आपको भर्ती से पहले 2 या 2.5 महीने में इस वर्कआउट को करना है, लेकिन आपको भर्ती से पहले 2 या 2.5 महीने में इस वर्कआउट को थोड़ा अलग तरीके से करना है। तो पहला एक्सरसाइज है वो ABC एक्सरसाइज। आपको क्या करना है, ABC एक्सरसाइज आपको हफ्ते में 2 या 3 बार करना है, लेकिन आपको एक्सरसाइज फास्ट करना है, आप 7 या 8 एक्सरसाइज करेंगे दोस्तों 30 मिनट में आपको एक्सरसाइज करना है, और एक एक्सरसाइज के 2 या 3 सेट करने हैं, और जो भी एक्सरसाइज करते हैं वो दोस्तों आपको फास्ट एक्सरसाइज करना है, स्पीड से एक्सरसाइज करना है, तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। जो भी आप हाई नहीं समझो, आप हाई नहीं करते हो या बैक नहीं करते हो या बेस स्किप करते हो, उस एक्सरसाइज को आपको फास्ट करना है, तभी आपका अच्छा रिजल्ट आएगा और आपका स्पीड बढ़ेगा। तो दोस्तों एक वर्कआउट हो गया, नेक्स्ट वर्कआउट देखो। नेक्स्ट वर्कआउट दोस्तों आपको स्लो फास्ट करना है, हफ्ते में आपको 1 या 2 बार स्लो फास्ट करना ही करना है। उसमें आपको क्या करना है, देखो आप जो आपका जो 400 मीटर ग्राउंड होता है उसमें आपका जो फिनिश और स्टार्ट लाइन होता है 1600 मीटर का, वहां से आपको 200 मीटर फास्ट जाना है, 90 से 95 फुट से आपको फास्ट जाना है, फिर उसके जो 200 मीटर रहता है उस स्लो जॉगिंग करके आना है, 200 मीटर फास्ट और 200 मीटर स्लो, ऐसे आपको 10 मिनट करना है, 10 मिनट का एक सेट, उसके बाद 7 या 8 मिनट रेस्ट लेना है, उसके बाद हमें 10 मिनट का एक सेट, ऐसे 2 सेट करना है, नहीं तो आप एक सेट कर सकते हो लेकिन उसको आपको 10 या 15 मिनट करना है, और इस वर्कआउट को हफ्ते में 2 बार करना है। तो दोस्तों इस 2 वर्कआउट को आपको करना ही करना है, तभी आपका अच्छा स्पीड बढ़ेगा और अच्छा टाइमिंग आएगा भाई। आपको ABC एक्सरसाइज हफ्ते में 2 बार या तो 3 बार और इस स्लो फास्ट को हफ्ते में 2 बार करना है। उस 2 या 2.5 महीने में दोस्तों इस वर्कआउट को आप अच्छे से फॉलो करोगे तो दोस्तों आपका 100% स्पीड बढ़ेगा।